नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम टीवी की प्राइम डिबेट में। मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। उत्तर प्रदेश में अलकायदा से जुड़े दो कथित आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद से सियासत गर्मा गई। विपक्ष ने सरकार के साथ ही पुलिस को भी निशाने पर ले लिया। अखिलेश यादव के बयान के बाद जहां बीजेपी ने भड़कते हुए पलटवार किया, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व आईपीएस भी अखिलेश के बयान के बाद खासे नाराज दिख रहे हैं। पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने तो यहां तक कह दिया कि जिहादियों की मदद के लिए अखिलेश यादव किसी भी हद तक जा सकते हैं। बहरहाल, एक तरफ आतंकियों पर कार्रवाई तो दूसरी तरफ जुबानी जंग थमने का नाम ही नहीं ले रही। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम आज की चर्चा शुरू करेंगे। यूपी एटीएस ने लखनऊ में बड़ा ऑपरेशन कर अलकायदा की कथित दो आतंकियों को दुबग्गा स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया। वहीं कोर्ट ने दोनों कथित आतंकियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। लेकिन जब से छापेमारी कर दोनों आतंकियों को पकड़ा गया है, तब से यूपी की सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार और पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। अखिलेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस और बीजेपी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। बस इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश पर पलटवार किया और अखिलेश के वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि आप सुनिश्चित करें कि आप किस देश के लिए बल्लेबाजी कर रहे हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने भी इस ऑपरेशन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि चुनाव करीब आने पर इस तरह की कार्रवाई लोगों के दिल में संदेह पैदा करती है। यहां तक तो ठीक था कि राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन अब पूर्व आईपीएस भी जुबानी जंग में शामिल हो गए। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह और पूर्व डीजीपी ब्रजलाल ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। विक्रम सिंह ने कहा कि अगर अखिलेश यादव को पुलिस पर भरोसा नहीं है तो वो अपनी सुरक्षा वापस कर दें। वहीं राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने कहा कि वोट बैंक के लिए और जिहादियों की मदद के लिए अखिलेश यादव किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप खुद सुनिए पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने क्या कुछ कहा है। अलकायदा वो है जो सीरिया और इराक में लड़ रहा है, अफगानिस्तान में लड़ रहा है, और वो आतंकवादी हैं जिन पर आज अखिलेश यादव ने कहा है कि एटीएस पर मुझे विश्वास नहीं है। मैं एटीएस को बधाई देता हूं। मैं अखिलेश जी के व्यथा समझ सकता हूं। वोट बैंक की राजनीति की तरह ये पार्टी हमेशा जिहादियों के साथ रही है। बड़ी बात यह है कि कथित आतंकियों पर की गई कार्रवाई के बाद भले ही उत्तर प्रदेश की धरती दहलने से बच गई हो, लेकिन जुबानी जंग जरूर यूपी की राजनीति को दहला रही है। राजनीतिक दलों के बाद अब पूर्व आईपीएस भी अपने तर्कश से तीर निकाल रहे हैं और निशाना विपक्ष में बैठे वो नेता हैं जो सरकार को तो लगातार कोस ही रहे हैं, लेकिन इस बार पुलिस को निशाने पर लेकर खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं। अजय सिन्हा की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो स्वतंत्र देव सिंह कह रहे हैं कि आप किस देश के लिए बैटिंग कर रहे हैं, राजनीतिकरण तो पूरी तरह से शुरू हो गया। और यही हम आज अपनी इस चर्चा में जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल हम चर्चा शुरू करें, उससे पहले मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। सुनील त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पूर्व आईपीएस सूर्य कुमार शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। सूर्य कुमार शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केसी जैन जी जुड़े हुए हैं। केसी जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ विवेक पांडे जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं केसी जैन जी आपसे जानना चाहूंगा, एटीएस ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन क्या वाकई में अब खतरा टल चुका है? देखिए शिवम जी, पहली बात तो ये कि जो आतंकवादी पड़े गए हैं इसमें से वो लोग भी शामिल है इसमें कि फिदाई हमला करने के लिए भी लगातार तैयारी कर रहे थे, इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। फिदाई बम के रूप में भी ये कहीं पर भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते, और एटीएस की प्रशासन की एक बड़ी सफलता है कि इस तरीके से किसी भी घटना के पहले
इन अपराधियों को, इन आतंकवादियों को पकड़ लिया गया और प्रकार से ये लगातार रेकी कर रहे थे। सुरक्षा विभाग से जुड़े हुए हमारे जो संस्थान है, वो चाहे कानपुर के रहे हो, लखनऊ के रहे हो या अन्य जगहों के रहे हो, कई जगह के नक्शे इन आतंकवादियों के पास से बरामद हुए। इसमें जो वो आतंकवादी खास करके बसीरुद्दीन और मिनहाज, ये दोनों जो पकड़े गए हैं, ये पाकिस्तान समर्थित अलकायदा संगठन जो है उससे जुड़े हुए हैं, और इनका अंसार गजातुल हिंद, गजातुल हिंद इनका जो संगठन है उसके अंतर्गत ये लोग काम कर रहे थे। तो देखिए, फिदाई जब होता है, जब इस तरीके के लोग आतंकवादी संगठन में जब इस तरीके के लोग शामिल हो, उसको बहुत ही खतरनाक आतंकी संगठन कहा जाता है, क्योंकि ये इनका कोई इनका सिर्फ उद्देश्य ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमले में मारना और देश के अंदर अस्थिरता पैदा करना, भय पैदा करना, और कहीं ना कहीं सरकार को चोट पहुंचाने का इनका मकसद रहता है। ऐसे में जब फिदायीन लोग इसमें शामिल थे और इस तरीके की बड़ी घटना अंजाम देना चाहते थे, ये गिरफ्त में आए हैं, इनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष के नेता, विपक्ष के लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आपने इनको गलत पकड़ लिया, पुलिस पर से भरोसा उठ गया, आतंकवादियों को तो अपना काम करने देना चाहिए था, क्योंकि वो मुस्लिम है इसलिए वो देश की तरक्की में साथ दे रहे थे। अरे कैसे साथ दे रहे थे? आतंकवादी घटना करके साथ दे रहे थे, फिदायीन हमला करके साथ दे रहे थे, लोगों को मार करके साथ दे रहे थे, ये विकास में इस तरीके से वो साथ दे रहे थे। और फिर देखिए, ठीक है विवेक राजनीति अपनी जगह, जी, मैं राजनीति आपके पास के जाऊंगा। बहुत केसी जी, मैं सारे यहाँ पर असर आपको रोकना चाहूंगा। विपक्ष के केसी पास जी, पे मैं है। रोकना चाहूंगा आपको यहाँ पर। विवेक जी, एटीएस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, बधाई नहीं देंगे क्या? हम तो बिल्कुल बधाई देते आए हैं, शुरू से देते आए हैं, लेकिन जिस बात को, जिस वक्तव्य को, पहले तो सॉरी, मैं पूरे मंच को पहले तो सहृदय धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वरिष्ठ आईपीएस भी बैठे हैं और सम्मानित पत्रकार महोदय के साथ हमारे विपक्ष के माननीय केसी जैन जी बैठे हैं। तो पहले मैं सबका अभिवादन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, ईश्वर करे कि कोविड की लहर से हम सभी बचे रहें। बाकी जिस राजनीतिक वक्तव्य को जिस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश करने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे लगता है, देखिए, बड़ा निंदनीय और बड़ा दुखद लगता है कि अखिलेश यादव जी जब भी कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उस स्टेटमेंट का भरपूर प्रयास करते हैं विपक्ष के लोग कि उसका जितना हो सके राजनीतिक लाभ ले लिया जाए। अखिलेश यादव जी ने जो स्टेटमेंट दिया था वो बहुत क्लियर सेंटेंस था कि हमें यूपी पुलिस और भाजपा पे भरोसा नहीं है, नहीं रहा, सॉरी। ठीक, अब उसका कारण क्या है? जिस प्रकार के चुनावों में दृश्य आए, जिस प्रकार से पुलिस की भूमिका पे, साख पे बट्टा लगाने का प्रयास भाजपा के द्वारा करने का प्रयास किया गया, और जिस प्रकार से पुलिस मौके पे खड़ी रही और भाजपा के दुशासनों द्वारा चीरहरण करने का प्रयास किया गया, और पुलिस मौके पे मूक दर्शक बनी रही, तो ये पुलिस के ऊपर सवाल नहीं है, लेकिन कार्यप्रणाली पे सवाल उठना लाजमी है। और पत्रकार महोदय बैठे हैं, एक वरिष्ठ सम्मानित आईपीएस जो खुद पुलिस विभाग का हिस्सा रहे वो खुद बैठे हैं, और मैं खुद कई हजार पुलिस कर्मियों के संपर्क में रहता हूं, क्योंकि पुलिस सुधार पे बराबर मैं निरंतर क्रियाशील रहता हूं। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरी तो लगातार निचले तबके पे बात होती है, लोगों के मन में एक त्रासदी है, एक अवसाद है कि वो करना चाह रहे थे, अपराधियों को रोकना चाह रहे थे, लेकिन ऊपर से निर्देश थे कि कार्रवाई नहीं करनी थी। अब बताइए, और अखिलेश जी ने जो सवाल उठाया कि यूपी पुलिस पे भरोसा नहीं रहा, तो यूपी पुलिस पे भरोसा नहीं रहने का कारण कौन है? उसके पीछे कारण है भाजपा। हमने तो कभी पुलिस पुलिस सुधार के लिए अखिलेश यादव जी से ज्यादा काम किसने किया आज तक? मैं तो कह रहा हूं, जिस एटीएस की ये बात कर रहे हैं, उस एटीएस का अखिलेश सरकार में, मैं आपको बता दूं, एसटीएफ और एटीएस की 30% बढ़ोतरी भी जो थी सैलरी में, वो भी हमने करवाई। 2000 आवास पुलिस को हमने दिए, 1090 से लेकर के महिला मूवमेंट पावर लाइन से लेकर के पुलिस हेडक्वार्टर तक तो समाजवादी सरकार ने बनाई। मैं केसी जैन जी से विनम्र निवेदन से फेक करता हूं, इस सरकार में पुलिस सुधार की दिशा में किए केवल 5 काम गिनवा देंगे मुझे। पुलिसों का अगर इतना हित इनको पुलिसिंग का है, इतना ये भी सवाल ये पूछा गंभीरता से जाएगा, पुलिस को लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी भी जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ सुनील त्रिपाठी जी हैं। सुनील जी, जी अभी तक एटीएस की जो भी कार्रवाई हुई है या जो कुछ भी घटनाक्रम अभी तक देखने को मिला, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए शिवम जी, मैं तो एटीएस के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी घटना
राजधानी में बनारस में या अन्य स्थानों पर होने से प्रदेश देश को बचा लिया। अगर एटीएस हमारी सक्रिय न होती तो शायद पूर्व वाली स्थिति जैसे आपने देखा होगा कचहरी बम ब्लास्ट हुआ, बनारस में बम ब्लास्ट हुआ, पूरे यूपी में आए दिन कहीं कहीं बम ब्लास्ट होता रहता था। लेकिन कम से कम ये एटीएस की देन है, हमारे पुलिसकर्मियों की देन है। मैं तो उनका आभार व्यक्त करता हूँ कम से कम उन्होंने सक्रिय होकर के ऐसे दुर्दांत आतंकवादियों को घर से बाहर निकाला है जिनके नेटवर्क पूरे देश में फैले हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं खाली अभी दो ही लोग नहीं है, एटीएस हमारी और एनआईए इतनी सक्रिय है कि अभी कितने अजगर बिलोस निकल निकल बाहर आएंगे। चुनाव का माहौल नजदीक आ रहा है, पड़ोस में भी देश की हलचल मची हुई है। ऐसी परिस्थितियों में अगर कोई व्यक्ति कोई राजनेता पुलिस कर्मियों के ऊपर उंगली उठाएगा तो देश का दुर्भाग्य माहौल की वजह से ही निकल के आएंगे क्या? नहीं नहीं, देखिए चुनाव के माहौल में थोड़ा सा ये होता है ना कि आदमी निष्क्रिय सुरक्षा में रहता है, नेता भी पब्लिक बीच में आते हैं, पब्लिक भी इकट्ठा होती है, तो बम ब्लास्ट करने में आतंकवादियों को आसानी रहती है चुनाव पीरियड में। और चुनाव की ऐसी होती है कि राजनेता कितना भी अपने आप को सुरक्षित करे सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, लोगों के बीच में जाना, लोगों से मिलना, मीटिंग करना। और ऐसे दुष्ट जो होते हैं आतंकवादी, वो ऐसे मौके की प्रयास में रहते हैं कि ऐसा मौका हमें मिले जब नेता और पब्लिक हमारे बीच में ज्यादा संख्या में हो और हम बम ब्लास्ट करके देश का नुकसान कर सके। अगर अखिलेश जी ने कटाक्ष किया है तो ये तो बड़ा दुखद घटना, क्योंकि किसी कुर्सी प्यारी है किसी को देश प्यारा है, ये तो जनता ही निर्णय करेगी कि किसको कुर्सी प्यारी पसंद करता है या देश प्यारे पसंद करता है। ठीक है, विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ एक लाइन कहूंगा कि अखिलेश जी ने एटीएस की कार्यप्रणाली पे सवाल नहीं उठाए हैं। चुनाव में जिस प्रकार पुलिस की भूमिका रही है बात उसकी की गई है। देखिए विवेक जी, ठीक है विवेक जी, एक सेकंड मैं आपको बोलूंगा। अगर अखिलेश जी स्पष्ट कर देते कि स्थानीय चुनाव में पुलिस की अहम भूमिका रही हमको हराने में, वो बयान दूसरा था। लेकिन इस दौर में जब आतंकवादी पकड़े गए हैं और अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमको भाजपा पे विश्वास न हो, चलो कोई बात नहीं, आप राजनीतिक दल आए विश्वास ना करें, लेकिन पुलिस तो सबकी होती है। आप भी सत्ता में आते हैं तब भी वही अफसर काम करते हैं, भाजपा सत्ता में आती तब भी वही अफसर काम करते हैं, ये जरूर सकता है। कुछ अफसर जो नजदीकी होते हैं महत्वपूर्ण पदों पर आते हैं, महत्वपूर्ण पद दूर चले जाते हैं। ठीक है विवेक जी, मैं आपके पास आऊंगा, हमारे साथ पूर्व आईपीएस जुड़े हुए हैं और उनके पास जाना बेहद जरूरी है क्योंकि उनसे काफी कुछ चीजें समझने को मिलेंगी हमें। काफी लंबा अरसा उन्होंने पुलिस महकमे में बिताया है। सूर्य कुमार जी, मैं जानना चाहता हूँ कि 2017 में एक खुरसान मॉड्यूल था जिसका खुलासा किया गया था, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, उस वक्त ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई और तमाम सारी चीजें सामने निकल कर आई, तब क्या ये मान लिया गया था कि अब आतंकवाद पैर नहीं पसारेगा, उसी की वजह से अब इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है क्या? कहीं ना कहीं हम ढीले पड़े थे। आतंकवाद की बात है तो आप सब लोग जिससे हमारे साथ बैठे हुए पैनल में, आप सब लोग सहमत होंगे कि ये केवल भारत की ही समस्या नहीं है। बिल्कुल, ये आपने अभी देखा इजराइल में जिस तरह लड़ाई हो रही थी, ईरान इराक में लड़ाई हो रही थी, अफगानिस्तान में लड़ाई हो रही थी, तो ये समस्या बहुत से देशों में और खास तौर से जो ये जिहाद के नाम पर लोगों को मारने की आदत और एक आइडियोलॉजी कुछ संगठन लेके चलते हैं, तो उसमें अलकायदा भी है और भी कई संगठन है। और एक और बात बड़ी रुचिकर है, सब लोग सहमत होंगे कि जैसे ही इनका ये संगठन बैन किया जाता है तो दूसरा नाम रख लेते हैं, जैसे अभी आप सुन रहे थे गजवातुलहिंद, इसी तरह ये कोई ना कोई दूसरा नाम रख लेते हैं। क्यों? ताकि वो अपने कार्यकर्ताओं को लोग लेके हिंसक गतिविधियां प्लान कर सकें और उन पे रोक न लग सके। तो इधर इस पर देखिए, जहां तक अखिलेश जी की बात है, वो स्वयं मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी भी एक महत्वपूर्ण पार्टी के नेता हैं, तो उनको भी ये बात अच्छी तरह पता है कि हमारा देश, जैसे बीजेपी को पता है और पार्टियों को, कि हमारे देश की सुरक्षा रहेगी तभी हम लोग सब सुरक्षित रहेंगे। अगर बम विस्फोट होंगे, देश विरोधी गतिविधियां होंगी, तो ये चूज करके थोड़ी होंगी कि केवल इस पार्टी वालों को मारो और उस पार्टी वालों को बचाओ, ये इस तरह की बात, ये छोटी सोच है। लेकिन सूर्य कुमार जी, यहां पर पुलिस के बारे में बता दूं, नहीं मैं यहाँ पर एक चीज जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि आपने एक राजनीतिक पार्टी की बात की कि किसी को चुन के नहीं, लेकिन यहाँ पर यह भी बात सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी यहाँ पर निशाने पे बताए जा रहे थे। बिल्कुल, ये तो है कि
जो जिनसे आतंकवादियों को लगता है कि हम पर ज्यादा सख्ती होगी उनको पहले टारगेट पे लेते हैं। और ये आप सब जानते हैं कि जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और एनआईए का गठन हुआ, नेशनल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या फिर एनएसजी बनाई गई, उसको और सोफिस्टिकेटेड कमांडो बना के तैयार किए गए, या जैसे 370 का लागू किया गया, तो देश का एकीकरण मजबूत हुआ। तो उसके कारण जिहादी लोग या देश विरोधी आतंकी आईएसआई के सिसारे पर काम करने वाले लोग ये परेशान है। तो इस पर सभी पार्टियों को मैं तो कहूंगा कि भाई सबका हित है, देश आपका भी है, इसलिए सबको एकजुट होकर ये बातें करनी चाहिए कि नहीं, इन आतंकियों पर भरपूर कार्रवाई करो। अगर किसी को संदेह है कि ये नहीं सही केस नहीं है तो आप पता कर लो, अपना आदमी भेज लो, जांच करा लो, पुलिस से बात कर लो। लेकिन पुलिस एक बहुत बड़ा संगठन है, अगर किसी ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में, जैसे कि अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे कि किसी ने कोई गलत हरकत कर दी, किसी पुलिस वाले ने कोई पक्षपात कर दिया, ये मतलब नहीं है कि पूरा पुलिस संगठन पक्षपात पूर्ण हो गया जी। अरे हो सकता, जो लोग बल्कि मांग करिए कि चाहे वो कोई पब्लिक का आदमी है, चाहे वो पुलिस वाला है, अगर वो हमारे कानून के खिलाफ काम करता है तो उसको चिन्हित करके भरपूर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पूरे संगठन को ब्लेम कर देना वाजिब नहीं है। ठीक है विवेक जी, पूरे संगठन को निशाने पर लेना बिल्कुल वाजिब नहीं है। आप जिसको भी आपको लगता है कि उसने ये गलत काम किया, आप उसको चिन्हित करके उसके खिलाफ मांग करिए। विवेक जी मैं जवाब देना चाहूंगा जी। बीजेपी सांसद राघव लखनपाल के नेतृत्व में लाखों मतलब कई सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लेकर के इन्होंने उस समय के वर्तमान एसपी लव कुमार के घर पे पत्थरबाजी की। गोरखपुर के आरएमडी अग्रवाल ने पुलिस की निष्क्रियता को प्रमाणित किया था पूरे उत्तर प्रदेश के सामने। इसी क्रम में अगर आप आइए तो इगलास विधायक राजकुमार सहयोगी गोंडा थाने प्रभारी अनुज सैनी को निलंबित उन्होंने करवाया था। अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम ने बीएसपी कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया था और एसपी ग्रामीण का तबादला करवा दिया था। सबसे बड़ी बात सुन लीजिए, बागपत सांसद इनके सत्यपाल सैनी ने पुलिस को विफल बताया था, देवमणि द्विवेदी भी साथ में थे उनके, और इसी क्रम में मुकेश धामा ने तो हर अपराध में यूपी पुलिस को लिप्त बताया था। तो आप बताइए कि यूपी पुलिस की छवि हम खराब कर रहे हैं? इनके अपने विधायक यूपी पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल करके खड़े थे। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप एक वक्तव्य को लेते हैं, मेरे पास वक्तव्यों की लिस्ट रखी है, मैं भी होमवर्क करके बैठता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बैठ जाता हूँ। बहुत अच्छी बात। और कार्यप्रणाली पे सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि जो आपने अभी एक खुरासान मॉडल की बात की थी उसमें इनके नेता राघवेंद्र सिंह चौहान, जिनकी फोटो राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, श्रीकांत शर्मा, रीता बहुगुणी जैसे बड़े कद्दावर नेताओं के साथ बाकायदा भाजपा कार्यालय के अंदर की फोटो देखी गई। उसके बाद अभी दो दिन पहले इंदिरा नगर थाने में इनके द्विवेदी जी थाना चला रहे थे। भाई मैं तो पूछ रहा हूँ कि मोदी जी पूछते थे कि थाने यूपी में कौन चलाते हैं, ये तो जवाब भाजपा ने दे ही दिया। इनके आगरा में विधायक खड़े होकर के पुलिस को धमका रहे हैं कि अगर किसी क्षेत्रीय स्थानीय लोगों की जांच की गई, अगर गाड़ी वाहन चेकिंग की गई तो उसको निलंबित करवा देंगे, और निलंबित करवा दिया वहां पे उन्होंने एक सिपाही को। इंदिरा नगर में इन्होंने एक सब इंस्पेक्टर को निलंबित करवा दिया, अवैध खनन के मामले में आए थे पैरवी कर रहे हैं। तो ये तो वीडियो, ये तो साक्षात प्रमाण दे रहा है। ठीक है, ये तमाम सारी चीजें भी हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं मुद्दे से भटक रहे हैं इस वक्त। हाँ मैं मुद्दे से नहीं भटक रहा। ठीक है, यूपी पुलिस पे प्रश्न, हाँ बिल्कुल वही मैं सवाल बिल्कुल मैं वही सवाल केसी जैन से भी पूछना चाहूंगा। केसी जैन जी, आपके भी सांसद और विधायक केसी जैन जी पुलिसिया कार्यवाही पर सवाल खड़े कर रहे थे। देखिए पुलिस की कार्रवाई तमाम बार जो है सवाल के घेरे में आती, और अगर सवाल के घेरे में पुलिस की कार्रवाई ना आवे तो सरकार, हर एक सरकार में ऐसी कोई सरकार नहीं है जिस सरकार ने अपने शासनकाल में तमाम सारे भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई ना की हो, उनको सस्पेंड ना किया हो, उनका निलंबन ना किया हो, तमाम सारी कार्रवाइयां होती है। लेकिन अभी आदरणीय सूर्य प्रकाश जी ने जो बात कही कि पूरे के पूरे आप सिस्टम को, पूरे तंत्र को, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को आप दोषी नहीं ठहरा सकते, कोई गलत है क्या? आपके सांसदों ने किया है, हमने नहीं किया है। उसको सस्पेंड कराइए, वो विधायक आपके हैं जिन्होंने यूपी पुलिस में प्रश्न चिन्ह लगाया, जब पक्ष में तो भी लगाया, सत्ता में है तो भी लगाया, बाकायदा सबके वक्तव्य है मेरे पास, बोलिए मैं पढ़ देता हूँ समय मिले तो।
देखिए आदरणीय सूर्य प्रकाश जी ने जो बात कही है बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि बेस्ट लोग होते हैं, हर डिपार्टमेंट में बेस्ट लोग हैं, केवल पुलिस ही क्या, बैंक में भी तो आप सारे बेस्ट लोग होते हैं, घोटाला कर देते हैं और तमाम जगहों पे, रेलवे में भी है, हर जगहों पे। तो ऐसे में जो भ्रष्ट अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए राजनीतिक दल अपनी अपनी गोटियां बिछाते हैं, अपनी अपनी विसात। नहीं, राजनीति करना अलग बात है। केसी जी राजनीतिकरण होता है, राजनीतिकरण होता है, ये हम सभी मानते हैं और ये जानते भी हैं। भरोसा नहीं है, जानते भी सूर्य प्रकाश जी, पुलिस महकमा ही क्यों इन राजनीतिक दलों के निशाने पर रहता है, क्यों रहता है? उनको हटा दे फिर, वो ठीक है, पुलिस की सुरक्षा क्यों रहे? अगर उनको पुलिस पे भरोसा नहीं है तो ठीक है। केसी जैन, दूसरी बात ये, केसी जैन जी आऊंगा आपके पास, जो बात कह रहे हैं सुन लीजिए, एक मिनट एक मिनट, बस देखिए एक स्टेटमेंट मेरा पूरा हो जाए जो मैं कहना चाहता हूँ। जो बात विवेक जी कह रहे हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं, सुबह से इसकी चर्चा चल रही है तो नहीं, बात यूपी पुलिस की हो रही है केसी जैन जी, सवाल उठेंगे तो जवाब भी सारे दिए जाएंगे और जवाब चाहिए तो सवाल उठाने पड़ेंगे ना। आपने हम पे सवाल उठाया तो हम भी जवाब दे रहे हैं आपको। अखिलेश जी ने यह बात क्यों नहीं की कि एटीएस पे कोई सवाल नहीं है और इस पे कोई सवाल नहीं? अखिलेश जी का इसका पहले ही बयान आ चुका है कि मुस्लिम युवा, योगी जी जब रो करके संसद के संरक्षण मार रहे थे तो अरे ये बात समय उन्होंने पुलिस की कार्रवाई का जिक्र किया। ये मुद्दे से भटक जाते हैं। नहीं नहीं अभी नहीं, विवेक जी केसी जैन जी, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा। सूर्य प्रकाश, मैं आऊंगा आपके पास। केसी जी मुद्दे पे बात कर रहा हूँ और आतंकवादियों के मुकदमे लगातार बोलते रहेंगे तो देखिए जवाब तो देना ठीक है। विवेक जी आप रुकिए, दिया था तो ये कह रहे थे और इनके घोषणा पत्र में था, जो इनका घोषणा पत्र था उसमें था कि जो मुस्लिम युवा हैं जिनके ऊपर आतंकवादी धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं उनके मुकदमे हम वापस लेंगे। और 2007 आदरणीय पत्रकार महोदय जो बात कह रहे थे, जो सीरियल बम ब्लास्ट कचहरियों में हुए उन लोगों के मुकदमे वापस लेने की पूरी तैयारी। आतंकवादी तो आपने ले लिया। विवेक जी आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। विवेक जी आप नोट डाउन कर लीजिए, माननीय न्यायालय ने मना कर दिया कि ये केंद्र का कानून है, केंद्र का विषय है, आप मुकदमे वापस नहीं ले सकते। तो जो व्यक्ति आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले, जो सरकार जो पार्टी जो कहे ये युवा निर्दोष है और इनको ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, देश के विकास में सहायक है, आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई? 150 लोगों को मार दिया, मारने दीजिए, इनके मुकदमे वापस लीजिए, इनको छोड़ दीजिए। इस विचारधारा की पार्टी अगर ये कह रही है कि हमको पुलिस से भरोसा उठ गया तो कोई बड़ी बात। ठीक है केसी जैन जी, अब समय पूरा हो चुका है, आपसे आपके पास मैं आऊंगा। सूर्य प्रकाश जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। सूर्य जी हम बात ये कर रहे थे, कोई भी घटना हो, कुछ भी हो, आखिर पुलिसिया महकमा ही क्यों निशाने पर रहता है, चूक कहां रह जाती है? होता क्या है जी? मैंने अक्सर पुलिस की लंबी नौकरी करके ये देखा, वही मैं समझना चाहता हूं। जो मुलजिम पकड़े जाते हैं तो वो ये तो कहते नहीं कि हाँ हमने दोष किया, गलती की, हम प्लान कर रहे थे ब्लास्ट करने की। वो भाग के उनके जो पैरोकार हैं वो किसी न किसी महत्वपूर्ण अधिकारी या राजनीतिक नेता के पास जाते हैं, हमको झूठ फंसा दिया गया, हम तो बिल्कुल बेगुनाह थे, अरे पुलिस वालों को हमने घूस नहीं दी इसलिए फंसा दिए गए। तो कभी कभी ये लोग भी गुमराह हो जाते हैं। और जो आपने वोट वाली बात उठाई कि वोट पाने के लिए किसी वर्ग का लोग ऐसा कह देते हैं, मैं तो ये इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं मानता क्या कि कोई भी हिंदू या मुस्लिम कोई भी एक वर्ग के वोट से पूरी तरह से, जैसे कोई कहे कि हम इसलिए आतंकवादियों का पक्ष लेंगे कि वो मुस्लिम है, तो इससे कोई बुद्धिमानी नहीं। केवल मुस्लिम वोट से क्या आप चुनाव जीत जाएंगे? और दूसरा ये तो जुर्म है, धारा 153A जो भारतीय दंड विधान की है उसमें ये सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करके उनमें घृणा फैलाना ये जुर्म है, घृणा नहीं फैला सकते आप। नंबर दो, इन आतंकवादियों पर तो पोटा के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए और साथ में इन पर कड़ी गैंगस्टर एक्ट में इनकी संपत्तियां जब्त की जानी चाहिए, जेलों में रख के इनका ब्रेन वॉश किया जाना चाहिए कि वतन के प्रति पहले तुम्हारी निष्ठा हो तब तुम अपना अपना मजहब मानो।
लेकिन अगर वतन से ऊपर तुम कोई हिंसा इसलिए करोगे कि हम जेहाद फैलाकर अपने मजहब की संख्या बढ़ावें, तो ये बात लोकतंत्र में स्वीकार नहीं हो सकती। लोकतंत्र में हिंसा का स्थान नहीं होता। सूर्य जी, सूर्य बहुत जरूरी है कि इस पर पूरी दृढ़ता से कठोर कार्यवाही, कठोर कार्यवाही हो। बिल्कुल ठीक बात, नहीं तो हम सभी ये मांग करते हैं, इसी से हमारा देश गुलाम हुआ था। बिल्कुल ठीक है, सबको एकजुट रहना है इस मामले, सबको एकजुट रहना पड़ेगा। आतंकवाद के मुद्दे पर सभी राजनीतिक पार्टियों को एक जगह पर आना पड़ेगा। सूर्य जी, लखनऊ में जो कार्यवाही हुई, लखनऊ में जो धरपकड़ हुई, उसमें तमाम चीजें सामने निकल कर आई, लाइव बम भी मिले। अगर इस तरह की चीजें देखने को मिली हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि ये दिन चार छह दिन का काम हो। इसके पीछे तैयारियां वर्षों से चल रही थी। बिल्कुल, काफी लंबा, और काफी लंबा। आपको अगर कभी भी इसमें उत्सुकता हो, इस टॉपिक में, आप खाली सोशल मीडिया में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में जरा लगा के देख लीजिएगा कितने घृणा फैलाने वाले संदेश और दूसरी कम्युनिटी, दूसरे धर्मों के लिए नफरत के संदेश दिए जाते हैं। यही बीज हैं सूर्य जी, जो बाद में हिंसा में परिवर्तित होते हैं। मेरा इन बीजों को ठीक है, वही उसी स्टेज पे कार्रवाई पुलिस को करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। सूर्य जी, इतना समय आखिर क्यों लग गया? इंटेलिजेंस क्या अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पा रही? होता क्या है कि ये सबूत ढूंढने में निगरानी करनी पड़ती है। पहले ये तो अंदाज हो जाता है कि ये कर रहे हैं। दूसरी बात एक और बताऊं, ऐसी संख्या आप सोशल मीडिया पे देखिए, हजारों में हैं ऐसे लोग जो उग्रवादी विचारों का समर्थन करते नजर आएंगे, लेकिन आप उन पर तब कार्रवाई मजबूत कर पाते हैं जब कोई सबूत मिल जाए, बम मिल जाए, पिस्टल मिल जाए, तब कार्रवाई मजबूत होती है। और नहीं तो कोर्ट में वो कहते हैं, अरे मैंने तो इस बात को लेके फॉरवर्ड कर दिया था, मुझे, मैं उस तरह का नहीं हूं, छूट जाते हैं, जमानत करा लेते हैं। तो इस कारण समय लग जाता है, लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक तो संख्या बड़ी सीमित है। मैं कहूंगा एटीएस की, एसटीएफ की, इनकी संख्या अब जरूरत है कि हर मंडल मंडल में, जिले जिले में इनकी ब्रांच खोली जाए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो इस तरह की हरकतें भीतर भीतर करते रहते हैं, और संगठन को और सुदृढ़ करने की जरूरत है, तो उससे फिर कंट्रोल और बेहतर होगा। ठीक है, विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ सर की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगा कि अभी एडीआर की रिपोर्ट आई है, जो नया मंत्रिमंडल बना है, पहले तो उसके लिए केसी जैन जी आपको बहुत बहुत ठीक है, आपने कुछ केसी जैन जी के कुछ सवाल भी नोट किए थे, उनका भी जवाब। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ, उसमें आ रहा हूँ। और 33 मंत्री जो आपने बनाए हैं, 78 में से उन पे आपराधिक मामले हैं, 24 पे गंभीर, और 5 पे सांप्रदायिक और भावनाएं भड़काने का। ठीक है केसी जी, शांत रहिए, अभी गंभीर आरोप है। केसी जी सुन लीजिए, मैंने सुन लिया, सुन लीजिए, केसी जी अभी आप शांत रहिए, मैं आपके पास भी आऊंगा। सुन लीजिए, अब देखिए मुद्दे की बात यह है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस प्रकार से एटीएस ने कार्रवाई की है, मैं इसीलिए हमेशा यूपी पुलिस की बॉर्डर स्कीम का हमेशा विरोध करता आया हूँ। यूपी पुलिस की जो बॉर्डर स्कीम है, इसके कारण पुलिस का खुफिया तंत्र जो है कमजोर पड़ता है। उत्तर प्रदेश पुलिस में जिस दिन ये बॉर्डर स्कीम हट जाएगी, आप उत्तर प्रदेश के एनसीआरबी के आंकड़ों में अपने आप कमी देख लेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से क्षेत्रीय समीकरण का ज्ञान ना होना, क्षेत्रीय अपराधियों का ज्ञान ना होना, क्षेत्रीय भाषा शैली का ज्ञान ना होना, भौगोलिक समीकरण का ज्ञान ना होना, उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए सबसे दुखद और सबसे अवसादित स्थिति यही है कि उसको इस बॉर्डर स्कीम के अंदर रह करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आज दिल्ली पुलिस वालों की जिस तरह से वेतन वृद्धि की गई है, इसके बारे में मैं हमेशा इस मुद्दे पे रहता हूँ, मुद्दे पे आ रहा हूँ, मैं हमेशा इस मुद्दे पे कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस को सुधार की आवश्यकता है, इसके ऊपर मॉडल पुलिस एक्ट के अगर प्रावधान लगा दिए जाए। केसी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, केसी जी मैं आपके पास आऊंगा। मुझे लगता है जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में अपराधीकरण है, चाहे कानून व्यवस्था ध्वस्त होने की दिशा में अग्रसर है, क्योंकि देखिए एक बात तो बड़ी जिम्मेदारी से सभी लोग मानेंगे इस मंच पे बैठे हुए, ना मैं कह रहा हूँ, ना सर कह रहे हैं, ना आप कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश को जंगल राज्य घोषित करने का या ये तमगा जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने दिया है, ना ये मैंने कहा, ना आपने कहा है, उत्तर प्रदेश की सेवाओं को राम भरोसे हाईकोर्ट ने कहा है, ना आपने कहा है, ना मैंने कहा है। अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट समाजवादी पार्टी की तो नहीं हो जाएगी ना, लेकिन अगर कोई संवैधानिक संस्था इतनी जिम्मेदार बातें कह रही है, तो इसका मतलब है कि आपको सुधार की दिशा में काम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस पे प्रश्न चिन्ह इसलिए लगा है क्योंकि जिस प्रकार पुलिस चाहती थी रोकना, लेकिन नहीं रोक पाई दबाव के चक्कर में, रसूख के चक्कर में, शासन के दबाव में, ठीक है, लेकिन ठीक अगर उत्तर प्रदेश को यही स्वतंत्र हाथ मिलते तो आज उत्तर प्रदेश का कायाकल्प कुछ और होता। केसी जी, पुलिस तो करना चाहती थी लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण इतनी देर हुई।
आप बताइए मुझे, जिस प्रकार चीर हरण के जो दो आरोपी मुख्य थे, ठीक है, अब आपने अपनी बात पूरी कह ली विवेक जी, अब मैं जाऊंगा, आप शांत हो जाइए। सांसद का भतीजा और उनका प्रतिनिधि पकड़ा गया क्या? पति का सवाल पूछ लीजिए, जवाब दीजिए, मैं नहीं पूछूंगा, आप पूछिए। ठीक है, चेयर करके यही पुलिस के अधिकारी अपनी जान पे खेल करके, चाहे वो बम निरोधक दस्ते में काम कर रहे हो या आतंकवादियों को, पुलिस के लिए किया क्या, बस इतना बता दीजिए। विवेक जी, मैं सवाल पूछूंगा, मैं ये सवाल, यही एटीएस, मैं बता रहा हूँ, यही एटीएस, यही एसटीएफ मोहम्मद खालिद मुजाहिद व मोहम्मद तारिक कासमी को, तारिक अहमद मीर का भी नाम ले लीजिएगा, आपका भाजपा नेता है, 2014 में कश्मीर से चुनाव लड़ा है आपके पार्टी के, उसपे शोपिया से। विवेक जी, बहुत आंकड़े लेके बैठते हैं आप, ठीक है, आपकी बात आ गई, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, आंकड़े के साथ बात करते हैं, आंकड़े के साथ मेरी बात, आंकड़े पे आइए, चलिए आंकड़े पे आ जाइए, हम आपको एनसीआरबी के आंकड़े देंगे। विवेक जी, अब शांत हो जाइए, अब मत बोलिए। मोहम्मद खालिद मुजाहिद मोहम्मद तारिक कासमी को गिरफ्तार करती है, जिलेटिन रॉड के साथ, दो जिलेटिन रॉड उनके पास बरामद होती है, कुकर बम से लेकर के स्टील बजर से लेकर दुर्घटक तक सारी चीजें उनके पास बरामद होती है, उनको छुड़ाने के लिए, और ये बाराबंकी में इनका मुकदमा दर्ज होता है सन 2007 में कचहरी बम ब्लास्ट, इनको छुड़ाने के लिए अखिलेश की सरकार ने क्या क्या जतन नहीं किए, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से, उच्च न्यायालय ने कह दिया कि आतंक से जुड़े हुए मामले, चूंकि ये कानून केंद्र का कानून है, इसमें मुकदमे आप वापस नहीं ले सकते, पहले आप केंद्र से परमिशन लीजिए। इसमें अपने सारे अधिकारियों को इन्होंने लगा दिया कि नहीं, इनके मुकदमे वापस लेने चाहिए, क्योंकि हमने अपने मैनिफेस्टो में यह कहा था कि जो भटके हुए लोग हैं और जो मुस्लिम आतंकवादी बच्चे हैं, इन पे जो मुकदमे सरकार ने लगा दिए हैं, ये हम वापस लेंगे। तो हमने अगर मुस्लिम आतंकवादी बच्चों के मुकदमे वापस लेने के लिए कहा था तो हम लेंगे, कैसे भी ले। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि ये मुकदमे वापस नहीं हो सकते, और मोहम्मद खालिद मुजाहिद तारिक कासमी के लिए पिछली समाजवादी पार्टी सरकार ने पूरी ताकत लगा दी, इनकी भद भी पिटी, इनकी बहुत बेइज्जती भी हुई, समाज को थूका और दुकारा भी कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको समझ में नहीं आया कि 50 के अंदर सीटों पर सिमट गए इसी कारण से, और आज भी ये उन्हीं आतंकवादी बच्चों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुस्लिम आतंकवादी बच्चों को फंसाया जा रहा है, वो तो बेचारे बेगुनाह है, वो तो समाज के विकास में काम कर रहे हैं, कैसी स्टेटमेंट है, आप क्या चाहते हैं, 50 अगर आपकी पार्टी में 50 विधायक भी नहीं बचे हैं, और आपके चाचा की पार्टी के इकलौते विधायक जिस प्रकार से है, क्या आप भी वैसा ही चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के इकलौते विधायक कब दूसरी तरफ जा रहे हैं, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सुनील जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा, आतंकवादी गतिविधियां हो, सभी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होकर काम करना चाहिए, जरूरी नहीं कि हर कार्यवाही पर सवाल खड़े हों, ऐसी क्या मजबूरी है जो आतंकवाद जैसे मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों को ये मुद्दा बनाना पड़ता है, क्या मुद्दों की कमी हो गई है क्या? शिवम जी, शुक्ला जी ने बहुत अच्छा वक्तव्य कहा कि एक किसी जात विशेष को लेकर के कोई पार्टी अपना राजनीतिक कैरियर तय नहीं कर सकती, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों को ऐसा लगता है कि चंद लोग जो हैं अगर हमारे साथ रहेंगे तो निश्चित रूप हम लोग सत्ता में आ जाएंगे। किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? अखिलेश जी की तरफ। अच्छा। मैं और भी लेना चाह रहा हूँ, आज से 20 वर्ष पहले मैं एक घटना बता दूं आपको। विवेक जी, एक मिनट रुका, विवेक जी आप भी जवाब दीजिएगा, रुकिए, ठीक है, ठीक है। 20 वर्ष पहले डालीगंज के एक शैक्षणिक स्थान में आतंकवादी पकड़े गए, माननीय मुलायम सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे, रातों रात एसपी टीजी नेगी साहब थे, चंद्रभान दुबे जी इंस्पेक्टर थे, दोनों को निलंबित कर दिया गया, और मैं उस समय क्राइम देख रहा था। मेरे सामने घटना यह है कि रात में बयान आया कि दो आतंकवादी गिरफ्तार किए गए, 4 और गिरफ्तार किए जाएंगे, सुबह एसपी टीजी नेगी साहब और चंद्रभान दुबे जी सस्पेंड हो गए। नदवा छापा पड़ा था, ठीक, याद आया सब आपको, आप उस समय पूरा एसएसपी रहे होंगे। अब आप बताइए कि पुलिस हमारी कहां दोषी है? पुलिस को अगर खादी से अलग कर दिया जाए तो पुलिसकर्मी हमारे आज भी जो है देश के लिए मर मिटने लिए तैयार हैं, लेकिन अफसोस है विवेक जी कि कुछ खादी के लोग खाकी को अपने साथ मिला करके गलत कृत्य करने के लिए उनको मजबूर करते हैं। कितनी जान लगा के आप समझिए कि एटीएस ने पकड़ा होगा या थानेदार कितनी मेहनत से पकड़ आता, भाई साहब तो देखे होंगे, एसएसपी रहे, डीआईजी रहे, डीजी तक रहे,
एक अपराधी को पकड़ने में एक पुलिस वाला अपने बच्चों को शहीद कर देता है, पता नहीं क्या हो उसके साथ में। एक खादी वाला फोन करता है, मेरा जाने वाला छोट छूट जाता है। ये देश की परंपरा है। अगर ऐसे ही लोग खादी के भेष में रहेंगे तो पुलिस बिचारी हमारी क्या कर सकती है, आप बताइए हमको। चाहे वो एटीएस हो चाहे एसटीएफ हो, आपने देखा होगा जब एसटीएफ गठन किया गया, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्हीं कार्यकाल में इसका गठन हुआ, और केएल गुप्ता जी पहले डीजीपी रहे सब क्यों। और जैसे एसटीएफ आई, बड़े बड़े अपराधी हमारे एकदम मार दिए गए, मार गिराए गए। तो क्यों? क्योंकि एसटीएफ पर खादी का थोड़ा असर कम रहता है। विवेक जी आपकी इच्छा, और मैं निवेदन करूंगा ऐसे खादी वाले लोगों से कि जो खाकी को परेशान करके अपराधियों संरक्षण देते हैं, उनसे हाथ जोड़ में निवेदन करूंगा कि देश इस समय बहुत विपरीत स्थितियों में गुजर रहा है, कृपया करके पुलिस को सही ढंग से काम करने दीजिए। विवेक जी, आतंकवादी परिस्थितियों को लेकर आपकी इच्छा शक्ति पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मैं आपको जवाब देना चाहूंगा इसका जी। अगर आप आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी एक जाति की राजनीति करती है, तो ये भी स्वीकार करिए कि योगी जी भी एक जाति की ही राजनीति करके आज यहाँ तक पहुंचे। अरे तो 3.5 ब्राह्मण मार दिए गए भाई, विवेक जी हमने ये भी तो मुद्दा उठाया है, नहीं उठाया बताइए। मैं अकेला मीडिया का आदमी हूं, कह रहा हूं 350 ब्राह्मण मारे गए भाजपा सरकार में। मैंने उस दिन भी कहा, तो आज भी कह रहा हूं। सुन लीजिए, मैं तो निवेदन कर रहा हूं सर, सुन तो लीजिए। मेरा एक सवाल और है, विक्रू कांड जब हुआ था उसके पहले मार्च में एसटीएफ ने 25 माफियाओं की लिस्ट बनाई थी, जिसमें विकास दुबे जिसके ऊपर 60 से अधिक गंभीर मुकदमे थे, वो दर्ज जिसके ऊपर थे, उसका नाम उस लिस्ट में था ही नहीं, किसका संरक्षण था। अब आप कहेंगे कि समाजवादी पार्टी की भूमिका इसमें भी आप दिखाने का प्रयास करेंगे, तो मैं बता दूं, बड़े जिम्मेदार पद पे बैठे एक जांच के दायरे में इस समय है फिलहाल वर्तमान में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, समझ सभी लोग जानते हैं, लेकिन नहीं आप बताइए जनता को, मैं तो ऐसे लोग मैं कई बार बताइए हमारा प्लेटफार्म कर दे रहे हैं टीवी से लेके हर जगह, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जांच करनी किसको है, वो जांच करवाने की इच्छा शक्ति रखे तो जांच करें ना निष्पक्ष। हम कहा बाराबंकी की बात की थी केसी जैन जी ने, एक प्रकरण था बाराबंकी का जिसमें की अवैध नशे की सामान के साथ पकड़ा गया था पसमांदा मुस्लिम समुदाय के आंदोलन का राजनीतिकरण कैसे किया था इन्होंने, इनके सांसद उपेंद्र रावत, विधायक वैद्यनाथ रावत, राम नरेश रावत, शैलेंद्र सिंह शैलू जी ने पुलिस को गंभीर कार्यप्रणाली के संदेह में खड़ा करते हुए ये मांग की थी कि इसकी जांच बाराबंकी के बाहर की जाए, तो पुलिस पे सवाल हमने कभी नहीं उठाया। पुलिस पे सवाल और प्रश्न चिन्ह लगाने का काम भाजपा ने शुरू से किया है, पहली बात। दूसरी बात सुन लीजिए, मैं हमेशा कहता हूँ आप बॉर्डर इसकी मटाइए ना, ये तो मैं सर जी बैठे हैं, केसी जी आप बात सुन तो लीजिए ना, केसी जी मैं आपके पास आऊंगा। अगर वास्तव में उत्तर प्रदेश पुलिस में सुधार चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त चाहते हैं, रखिए इच्छा शक्ति, क्यों नहीं हटाते हैं बॉर्डर स्कीम। मैं तो आपको बार बार सुझाव देता हूं, आप क्यों नहीं पुलिस के सुधार की दिशा में काम करना चाहते हैं। आज मैंने फिर से एक ट्वीट किया है, उसमें आप जरा उनके बैरक की स्थिति देख लीजिए। आप बात करते हैं सुधार की, 600 करोड़ 620 करोड़ आवासीय अनावासीय भवनों के लिए आप बजट पास करते हैं, पैसा जाता कहां है, कहां जाता पैसा। मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपने पुलिस के सुधार में क्या काम किया। 2486 दरोगा एक साल से ट्रेनिंग करके 1 साल 7 दिन की घर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी आपने पैरवी नहीं की सुप्रीम कोर्ट में, वो बच्चे आज भी अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, और आप बात करते हो पुलिस से। ठीक है विवेक जी, विवेक जी आप केसी जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, विवेक जी मैं चाहूंगा आप शांत हो जाइए। सूर्य प्रकाश जी शांत हो, लेकिन आज कुछ कहना चाह रहे हैं इस वक्त, और सूर्य कुमार जी के पास भी आना चाहिए। विवेक जी, विवेक जी इनसे इनसे एक बात पूछिए, तारिक अहमद कौन था, मैं पूछूंगा केसी जी। मत करिए मुद्दों की बात करिए, 5 काम बताइए यूपी पुलिस के लिए अगर आपने किया हो तो। अरे आप मान लीजिए ना, आपने बहुत बहुत काम कर दिया, उनके पास बचा ही नहीं था काम करने के लिए। आप मान लीजिए विवेक जी, आप मान लीजिए ना, आपने इतना काम कर दिया कि उनके लिए बचा ही नहीं। मैं कह रहा हूँ ये 5 काम गिनवा दे यूपी पुलिस के सुधार की। अरे विवेक जी आप ये मान लीजिए ना, विवेक जी आप मान लीजिए आपने ज्यादा काम कर दिया, उनके लिए बचा ही नहीं। ठीक है, पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार, अवैध खनन, अवैध निर्माण पे बुलडोजर नहीं चला पाएंगे। आपके पदाधिकारी अवैध संपत्तियों पे कब्जा करके बैठे हैं, निर्माण कर चुके। आपकी इच्छा शक्ति है, मैं चैलेंज करता हूं आपको इस मंच पे, आप चलाइए बुलडोजर, मैं आपको देता हूं विवरण पूरा। ठीक है विवेक जी, अब आप शांत रहेंगे। राज्य सरकार ने 2000 करोड़ जब्त की है। हाँ सूर्य जी, एक और मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए राजनीतिकरण तो लगातार हो रहा है, ये हम सभी देख रहे हैं, लेकिन एक जो बहुत जरूरी बात है ये जानना कि जिस बम ब्लास्ट की तैयारी की जा रही थी उसकी तारीख निर्धारित की गई थी 15 अगस्त, 15 अगस्त आने वाला है, ऐसे में तमाम ऐसे स्लीपर सेल हैं जिनके छुपे होने की अभी भी बात कही जा रही है, तो क्या नहीं लगता कि अब और भी ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। बिल्कुल,
ये जो बात आपने उठाई है बहुत प्रासंगिक है। क्या है कि देश के जो दुश्मन हैं, जिसमें हम सब लोग रह रहे हैं इस देश में, तो इसके दुश्मन ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, कोई महत्वपूर्ण त्योहार हो, तो उस दिन अराजकता फैल जाए ताकि दुनिया में बदनामी हो और देश का विकास होने के बजाय लोग आपस में दंगे हो जाएं, हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाएं, लड़े लोग, ये चाहते हैं। तो इसलिए बुद्धिमानी ये है कि इस रहस्य, इस गेम को, जो आईएसआई का गेम है, जो उसके दोस्तों का गेम है, उनका ये गेम समझकर हम सब लोग, चाहे वो किसी राजनीतिक दल में हो, ये बात को महसूस करके कि ये खतरा बहुत वास्तविक है और इस देश की एक ही सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि आपस के झगड़ों की वजह से विदेशी अफगानिस्तान ईरान से आकर के कब्जा कर लेते थे और 1000 साल की गुलामी हमारे देश ने झेली। इसलिए सब लोग इस बात को महसूस करें। और एक और बात आपसे निवेदन करूंगा कि जिस पर अच्छा विचार विमर्श जनता की दृष्टि में वही होता है कि अगर हमारे पास कोई आरोप लगे तो हम उसका अपना सफाई दें, उत्तर दें, बजाय इसके कि हम दूसरे को आरोप लगाने लगे। आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म होना चाहिए। उससे कोई भला कल्याण नहीं होता, उससे लगता है कि ये अपनी छिपा रहे हैं, उसकी ऊपर हमला कर रहे हैं। तो निवेदन ये है कि जो भी स्पष्टीकरण हो अपना अपना दें सब लोग, तो ये विचार विमर्श का स्तर और ऊपर उठेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। सुनील जी, आप बहुत लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, पत्रकारिता में आपने कई चीजें देखी हैं, लेकिन आखिर आतंकवाद को राजनीति से जोड़ देना, राजनीतिकरण कर देना, क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है? सीएम जी, प्रदेश की, देश की जनता बहुत जागरूक हो गई है। सब समझ रही है कि कौन देश के हित में कार्य कर रहा है, कौन देश के अहित में कार्य कर रहा है। आतंकवाद की गतिविधियां हमको तो लग रहा है कि 90 के बाद से ज्यादा ही देश में हावी होती चली गई, ज्यादा बढ़ी, चाहे हमारे बॉर्डर पे हो, चाहे हमारे देश के अंदर हो। और क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में देखा जाए तो सबसे ज्यादा आतंकवादी गतिविधियों को संरक्षण दिया गया। भले कांग्रेस ने हमारे ऐसा ना कि देश के लिए कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया, दो दो युद्ध लड़ी हमारे देश के लिए, लेकिन इनको कहीं ना कहीं से संरक्षण मिलता रहा, जिसका यही कारण है कि थोड़ा सा बीज आज पौधा बन के देश के सामने खड़ा हो गया है। और ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि अगर हम देशवासी एक न हुए और ऐसे लड़ते रहे, तो जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे शुक्ला जी कि 1000 साल हम लोग गुलाम रहे हैं, तो फिर 1000 साल तैयारी कर लीजिए। ठीक है केसी जी, एक मिनट, बॉर्डर पे भी स्थितियां, तालिबान आज कब्जा कर रहा है अफगानिस्तान के ऊपर, मानी कब्जा हो ही रहा है, पाकिस्तान हमारा खुला विरोध कर रहा है, चाइना हमारा खुला विरोध कर रहा है, और अगर हम हिंदू मुसलमान की राजनीति डिवाइड एंड रूल पे चलेंगे तो वहां से गिरने वाला बम यही नहीं देखेगा कि हम हिंदू हैं कि हम मुसलमान हैं। इसलिए दोनों वर्गों से मैं हाथ जोड़ कर रहा हूं, आप देश के लिए मरिए, देश के लिए रहिए, और इस देश से ज्यादा सुरक्षा विश्व में किसी वर्ग को नहीं है, जितना सुरक्षित हमारे देश में मुसलमान भाई हैं, हम लोग हैं। तो अब इन राजनीतिक दलों से उठ रखे परिस्थितियां आगे, अगर एक नहीं हो गए तो क्या अंजाम होगा इस देश का, ये तो ईश्वर ही जाने। और देखिए शिवम जी, भाजपा ने जो हम पछड़े ले रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने जो कार्य किया है वो ऐतिहासिक कार्य है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। आज देश कहां पहुंच रहा है, किन परिस्थितियों में पहुंच रहा है, अपराध की बात विवेक जी करते हैं तो मैं एक बार कहना चाहूंगा कि आप अपने आंकड़े, मैं भाजपा प्रवक्ता नहीं हूं, मैंने तो बहुत गवर्नमेंट देखी 15-20 सालों में, अपने आंकड़े आप देख लीजिए, वर्तमान आंकड़े देख लीजिए, अपराध उत्तर प्रदेश से कम हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप अपने आंकड़े देख लीजिए, झूठ बोल रहे हैं सर, नहीं हम झूठ नहीं बोल रहे, आप बताइए डीजीपी सामने जो है, केसी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, केसी जी के पास जाना चाहूंगा। केसी जी देखिए, देखिए आदरणीय सुनील जी ने और माननीय सुनप्रताप जी ने, दोनों लोगों ने बहुत अच्छी बात की और कहीं ना कहीं विवेक जी ने भी उसका समर्थन किया, लेकिन विवेक जी ने बहुत दबी जबान से उसका समर्थन, जहाँ पे देश की सुरक्षा की बात, जहाँ पे आतंकवादियों से संबंधित मामले हो और विदेशी शक्तियां भारत देश पे हावी होने का प्रयास कर रही हो, वहां पर संप्रदाय मजहब और पक्ष विपक्ष और पार्टी से उठ करके वहां पे एकीकरण की और इच्छा की और
राष्ट्रहित की बात करी, हमारे पास और आप जो बात कही सही बात है कि हमारे पास राजनीति करने के बहुत सारे मुद्दे हैं और देश के अंदर के बहुत सारे मुद्दे हैं और खास करके देखिए तो बहुत सारे मुद्दे हैं कि जो है रोड से लेकर के पानी से लेकर के बिजली से लेकर के बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पे हम लोग राजनीति कर सकते हैं और जिनकी आवश्यकता भी है, राजनीति इसीलिए की भी जाती है कि हम उनको सुविधा उपलब्ध करा सकते। लेकिन जहां पे देश की सुरक्षा की बात है वहां पर इस तरीके के जब स्टेटमेंट आते हैं कि जो है हमें पुलिस पर से भरोसा उठ गया है क्योंकि एटीएस ने एटीएस का नाम नहीं लिया गया, गलत स्टेटमेंट ना दीजिए, ये आपत्ति दर्ज करूंगा मैं, उन्होंने एटीएस का नाम लिया ही नहीं है। मन बहुत दुखी होता है, द्रवित होता है कि राष्ट्रहित पे इस तरीके की बातें। जब सीए का मुद्दा आया तो सीए का जो लोग विरोध कर रहे थे उनके ऊपर जब कार्रवाइयां हुई तब भी यही इसी तरीके के स्टेटमेंट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का आया कि जितने भी मुकदमे हुए हम वापस लेंगे, जो लोग पत्रकारों की गाड़ियां अराजकता पैदा कर रहे हैं आप उनके पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं मुकदमे वापस ले लेंगे। इसी तरीके से धारा 370 पे भी स्टेटमेंट आया कि उसकी आवश्यकता क्या थी, वहां लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, लोगों को नजरबंद कर दिया गया है, तमाम सारी बातें। देखिए जहां पे राष्ट्रहित की बात हो वहां पे पक्ष विपक्ष से हट करके सबको एक साथ आकर के काम करना चाहिए और जब देश रहेगा तभी आप राजनीति विवेक जी एक साथ आके काम करना चाहिए, क्यों नहीं एकजुट होकर काम किया जाता है। अगर वैक्सीन की बात थी तब भी आपने सवाल खड़े किए थे, आज जब पुलिसिया कार्रवाई की बात हो रही है तब भी आप पुलिस महकमे पे सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं आपको जवाब दे दूं जी। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है ना कि भाजपा को आत्म अवलोकन करने की बहुत जरूरत है। अब केसी जैन जी देखिए एक सार्वजनिक पटल पे दिए स्टेटमेंट को ही चेंज कर दे रहे हैं, बदल दे रहे हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है आप अगर मिलकर काम करना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए आपने कोविड काल में कब सर्वदलीय बैठक बुलाई, कब आपने कोविड काल में विपक्ष से सहयोग लिया या कब आपने सुझाव ग्रहण किए विपक्ष के। आप ही के सामने इसी चैनल पे बैठ के मैं कितनी बार सुझाव दे चुका, कोविड के समय जब डिबेट करते थे हम तो उसमें सुन लीजिए आप देखिए सुनते ही नहीं आप। हाँ, सुन लीजिए केसी जी आप सुन लीजिए बोलने की चैनल करें, विपक्ष को जब साथ लेकर के चलेंगे तब विपक्ष आपको हमेशा तैयार था। कोविड पे अखिलेश यादव जी ने भी स्टेटमेंट दिया था कि हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं, लेकिन जब आप दमनकारी नीति से केवल और इनके साथ सबसे बड़ी समस्या है ठीक है ये आत्मबुद्धता से बड़े प्रेरित हैं, इनको प्रशंसा सुनने का बड़ा शौक है, इनके पास WHO का जब तक सर्टिफिकेट नहीं आता और ऑस्ट्रेलिया से जब तक डिमांड नहीं इनकी क्रिएट होती है तब तक ये विपक्ष की बात इनको सुनाई नहीं देती है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है अब मैं आंकड़ों की अगर आपको बात करूं एक जिम्मेदारी के साथ 120 ऐसे केसेस थे उत्तर प्रदेश में जिसमें रासुका लगाई गई। ठीक बड़ी चलिए ठीक है आपने लगाया आपने कार्रवाई की, आपकी कार्यप्रणाली संदेह में कब आती है जब हाईकोर्ट उसमें हैबियस कॉर्पस का संज्ञान लेकर 80% जिसमें 61 लगभग गोहत्या और सांप्रदायिक दंगों से प्रेरित थी सीधे सीधे उसको निरस्त कर देती है। इस तरह की तमाम चीजें हैं अभी लेकिन इस वक्त जो आपने आपने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया मैं उसी पर आना चाहूंगा और केसी जैन जी के पास आना। केसी जैन जी दोनों को आप मिक्स कर दे रहे हैं। ठीक है केसी जैन जी जब कोरोना चरम पर था तो आपने विपक्ष की बात भी नहीं सुनी, क्यों नहीं सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, क्यों आपने विपक्ष से सलाह मशवरा नहीं किया, क्योंकि एक राष्ट्रीय मुद्दा नहीं। देखिए आप सहयोग लेते हैं ना हम तो वॉलंटियर बनने के लिए तैयार थे। हाँ, अब मैंने सवाल पूछ लिया विवेक जी अब शांत रहिए। देखिए माननीय मोदी जी ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई और सबके सुझाव भी लिए लेकिन जिस समय कोरोना काल जब शुरू हुआ पिछले साल मार्च में और जब एक दिन का लॉकडाउन लगाया और इसको जनता कर्फ्यू डाल दिया और उसके बाद में WHO की गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन लगाया गया तो कहा लॉकडाउन गलत लगा दिया आपने बिना तैयारी के लगाया। इस बार जब सरकार ने ये कहा केंद्र सरकार ने कि राज्य सरकारें अपने वहां पे आपके वहां कितने केसेस हैं कहां कहां क्वारंटाइन जोन बनाना है किस प्रकार से उसको नियंत्रित करना है इस हिसाब से आप अपने वहां पर कर्फ्यू लगाइए और आप वहां पे लॉकडाउन लगाइए तो कह रहे आप लॉकडाउन क्यों लगा रहे, अरे लॉकडाउन की घोषणा आप करिए, अरे आपके मुख्यमंत्री आपके मंत्री हैं तो आप सवाल खड़ा करते हैं हर जगह पे हर स्टेट में अलग अलग स्थितियां हैं। फिर आज हमारे पास सारी चीजें जानकारी में कि अगर हम सैनिटाइजर मास्क सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करेंगे तो उससे हम बचे रहेंगे तब हमारे पास ना कोई जान लहर की गलती मत करिएगा प्रभु बस इतना निवेदन है उन गलतियों को सुधार लीजिए और जिम्मेदारी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े जिम्मेदार लोगों को दीजिए। IAS और IPS और नेता नहीं चला पाएंगे कोविड की व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े जिम्मेदार अनुभवी लोगों के हाथ में आप दीजिए और उनके साथ गठबंधन यही समाजवादी पार्टी बना रही है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह आते हैं
उनसे गलबैया करते हैं यार भारतीय जनता। अभी ये मुद्दे से भटक रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। सूर्य कुमार जी अब समय हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, केसी जैन जी बहुत ज्यादा समय नहीं है, दूसरे मुद्दे पे बॉर्डर स्कीम हटा दीजिए। सूर्य प्रकाश जी, एक बहुत बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 4 साल का लंबा वक्त होता है, बहुत लंबा वक्फा बिताया है उस जगह पर आतंकवादियों ने, जो कथित आतंकवादी, अभी हम उनको कथित ही कह रहे हैं, क्या पुलिस अफसरों के बीच में कोऑर्डिनेशन सही नहीं था, इसकी वजह से इंटेलिजेंस एजेंसी कमजोर पड़ी और इतना वक्त लग गया? आप सच्चाई बता सकते हैं क्योंकि अब आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हालत ये होती है कि कई बार ये पता लग जाता है कि ये आदमी डाउटफुल है, लेकिन पुलिस ये प्रयास, पुलिस का नहीं, मुख्यतः ये जिम्मेदारी इंचार्ज जो एटीएस के होते हैं उनकी होती है, ठीक है। वो उस ऑपरेशन को ये कोशिश करते हैं कि हम इसके सरगना तक पहुंच जाएं, पूरा जाल पता लग जाए, तब एक साथ सब जगह, जैसे आपने देखा कानपुर में छापा पड़ रहा है, और जगह पर कई जगह तलाशियां हो रही हैं, तो पहले केस पकाया जाता है कि जब पक गया, सारी कहानी पता लग गई, कहां कहां कनेक्शन है, फाइनेंसर कौन है, सप्लायर असलहों का सप्लायर कौन है, तब उस पर हाथ डाला जाता है, नहीं तो उसको पुलिस में कहते हैं कच्चा हाथ ना डालो, खाली एक को पता लगा पकड़ लो और फिर उसने कहा कि अरे मैं अकेला हूं, तो इसलिए कभी कभी समय लग जाता है पूरी कहानी मैच्योर करने, ठीक है, तो समय लगता है बिल्कुल। सुनील जी जी, अलकायदा एक बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है, जी जी बहुत बड़ा, ऐसे में अलकायदा का कनेक्शन यूपी में पाया जाना क्या भविष्य के लिए खतरे की घंटी नहीं है? देखिए सुनील जी, हमने पहले भी कहा था कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है, कोई हमारे ही देश के लिए नहीं है, पूरे विश्व में देखिए कि एक ज्वलंत अग्नि है ये, और हर देश कहीं ना कहीं किसी रूप में ये जला रही है। जैसे कोरोना अपना भेष बदल रहा, डॉक्टर ने सही बात कही थी, वैसे आतंकवादी अपना भेष बदल देते हैं, इस संगठन पर रोक लगी, जैसे कोरोना दूसरे रूप में आ गया, डेल्टा के रूप में आ गया, ऐसे दूसरे रूप में आ जाते हैं। तो अब ऐसी स्थिति है कि मैं राजनेताओं से फिर एक बार डिबेट के अंतिम में निवेदन करना चाहूंगा कि आप देश को पहले मानिए, कुर्सी को बाद में, नहीं तो ना कुर्सी रहेगी ना देश रहेगा। नमस्कार, ठीक है विवेक जी, फाइनल कमेंट दूंगा कि आज भी अखिलेश यादव जी ने यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह उठाए हैं, और दूसरी बात है मैं जिम्मेदारी के साथ कह दूं, एटीएस के ऊपर ना कभी संदेह था, ना है, ना होगा, और इसके साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की, जब तक आप बॉर्डर स्कीम नहीं हटाएंगे, उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त, भय मुक्त और आतंकवाद मुक्त आप पूर्ण तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आपकी बॉर्डर स्कीम हटेगी तो खुफिया तंत्र आपका मजबूत होगा, जिससे कि पुलिस को ही सहायता मिलेगी और अपराधियों में भी एक डर पैदा होगा इस चीज का। ठीक है केसी जैन जी, मैं एक शायद सूर्य प्रकाश जी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगा और फाइनल कमेंट आपसे केसी जैन से लूंगा, ठीक है। सूर्य जी, ये बॉर्डर स्कीम जो त्रिपाठी जी कह रहे हैं उसके दो पहलू हैं, कि अपने बॉर्डर के यानी अपने जिले के करीब में बॉर्डर में लोग न रहें, ये नियम इसलिए बनाया गया था कि प्रायः लोग अपने रात में दिन में ड्यूटी करके और रात में मोटरसाइकिल उठा के अपने घर चले जाते हैं, और घर में रह के और वहां से लोकेशन देते रहते हैं कि हम एरिया में गश्त कर, लेकिन आवश्यकताएं बदलती है ना समय के साथ। पुलिस विभाग ने ये प्रस्ताव पास किया कि भाई एक जिला छोड़ के तैनाती की जाए, और त्रिपाठी जी की बात से मैं सहमत हूँ कि उसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि बहुत दूर भेज दो, अब जैसे गोरखपुर से अगर मेरठ भेज दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, आदमी को पूरा ज्ञान नहीं रहेगा, तो ये प्रस्ताव हमने दिया भी है, कई पुलिस अधिकारियों से चर्चा हुई है कि इसको सरलीकरण किया जाए कि यथासंभव जोन वाइज या रेंज वाइज पोस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ चुकी है। केसी जैन जी, फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। जी, देखिए जिसे चर्चा कर रहे थे माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी के बयान के, ठीक है, उन्होंने कह दिया है कि एटीएस पे सवाल नहीं उठाया, पुलिस महकमे पे सवाल किया और उसकी कार्यवाही पे सवाल किया, पुलिस की कार्यप्रणाली पे जो चुनाव में जिस प्रकार से भूमिका, ठीक है विवेक जी आप शांत रहिए, ठीक है। देखिए ऐसा है कि मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि वो चाहे सीए का मुद्दा रहा हो, चाहे धारा 370 हटाने का मुद्दा रहा हो जम्मू कश्मीर में, या आतंकवादियों को गिरफ्तार करने का मुद्दा, जब कोई राष्ट्रीय बात हो, राष्ट्रहित की बात हो, वहां पे सारी पार्टियों को पक्ष विपक्ष ना करके एक साथ आकर के काम करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके के स्टेटमेंट विपक्ष के आ रहे हैं
इससे आतंकवादियों के बढ़ते हैं। कौन चला रहा है भाई, कैसी जाएगी? विवेक जी अब नहीं जो लोग एटीएस पे सवाल आप पूछ लीजिएगा, थाने कौन चला रहा है? सवाल अखिलेश यादव जी भी स्वयं इसी पुलिस सुरक्षा में है, और इसी पुलिस सुरक्षा, इसी पुलिस में से ही लोग एटीएस भी भेजे जाते हैं, एसटीएफ पे भी भेजे जाते हैं। तो जिस पुलिस की सुरक्षा में आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उसी पुलिस पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं। वो चाहे आपके विधायक चला रहे हैं, कैसे सुरक्षित महसूस? ठीक है केसी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। केसी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विवेक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सूर्य प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुनील जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लव्वो लुआब जो है वो यही है कि राजनीतिक पार्टियों को जब आतंकवाद की बात आए तो शायद इस तरह की राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सभी राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर आतंकवाद और तमाम जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पर अगर चर्चा करेंगे, उस पर अगर साथ आएंगे, तो शायद आने वाले समय में हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।